एक बात आपको बता दूं, बात एकदम सही है लेकिन बड़ी कड़वी बात है और आपको जानना भी चाहिए, ऐसी बातें कोई बताएगा नहीं आपको। अब इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है ना, गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में बहुत ज़्यादा अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं। अब ऐसे लोग जो जिनके फैमिली में बैकअप नहीं है, जिनके फैमिली में बहुत इशू है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करो। कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को, अपने आप को प्रॉब्लम में डाल रहे हो। अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, डिटेल में हम बात करेंगे। तो जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम पर जो लोग हैं, करियर अड्डा चैनल टेलीग्राम पर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ पर भी जाके ज्वाइन ज़रूर करें। अब मैं बता दूं कि देखो, इंजीनियरिंग जो लोग कर रहे हैं, अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो बहुत कम वैकेंसी आती है गवर्नमेंट जॉब में। सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में आती थी? रेलवे में। कोविड की वजह से रेलवे में भी प्रॉब्लम आ गई, पिछले 2-3 सालों से वैकेंसीज बहुत कम आ रही हैं। लक बाई चांस जिन लोगों का सिलेक्शन हो जा रहा है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, किसी वैकेंसी में 2 साल पहले एग्ज़ाम दिया था, अब रिजल्ट आया है, तो वो लोग तो सेलेक्ट हो जा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी 5-5 साल, 10-10 साल, 12-12 सालों से कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अगर आपसे 2 से 3 साल में गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल पाती है, अगर आप ट्राई कर रहे हो, मल्टीपल अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आई थिंक आपको क्विट कर देना चाहिए, अपना तरीका बदलना चाहिए। देखो, लाइफ में जब एक चीज़ फेल होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी का किस तरह फ़ायदा उठा, तो ये ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊं, देखो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो लाइफ खत्म है। प्राइवेट इंडस्ट्री में इतना स्कोप है ना, मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो। 2000, 4000, 5000, 10000, 15000, 20000, जितने की जॉब मिले स्टार्टिंग में करो। जॉब करना ज़रूरी है, अगर आप जॉब करोगे तो वो 5000, 50000 में कब कन्वर्ट होगा ना, आपको पता भी नहीं चल पाएगा। हम लोग भी जब इंजीनियरिंग किए थे, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपये वेब डेवलपर की जॉब स्टार्ट किए थे, फ्री इंटर्नशिप किए थे, आज 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं सब। तो वो अप टू यू है कि आप किस तरह से हैंडल करते हो, किस तरह से चीजें लेते हो, किस तरह से चीजें समझ के करते हो, वो जानना जरूरी है। गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में अपना करियर, अपना फ्यूचर मत बर्बाद करिए। अगर देखो 2-3 साल में गवर्नमेंट जॉब निकल जाए तो इट्स ओके, वरना प्राइवेट इंडस्ट्री में ट्राई करो। अब बहुत सारे छोटे छोटे 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कोर्स आ गए हैं जिन कोर्स की वैल्यू और वर्थ बहुत ज्यादा है। ऐसे छोटे छोटे कोर्स करके आप मार्केट में बहुत पैसा अर्न कर सकते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि इसको आप कैसे लेते हो। अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लेते हो तो आपका करियर बहुत दूर तक जाएगा। मेरा काम था आपको सजेस्ट करना, क्योंकि देखो ये सब चीजें कोई बताएगा नहीं आपको, और ये सारी चीजें ना आपको खुद लर्न करनी पड़ेगी। जब तक आप लर्न नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, जानोगे नहीं, एनालाइज नहीं करोगे चीजों को, तब तक आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और इसका आपको फायदा उठाना इसलिए चाहिए इस चीज का समझ करके, क्योंकि अगर सोच समझ के आप डिसीजन नहीं लोगे ना लाइफ में, देखो अब बचपना है नहीं किसी का, सब लोग बड़े हो गए, हमारा एंड गोल क्या है? पैसा कमाना। अब इंजीनियरिंग के बाद अगर 10 साल पैसा नहीं कमाते हो तो भैया आपके घर वाले क्या सोचेंगे? आपको आपको खुद के ऊपर से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा अरे यार मैंने जीवन में क्या गुनाह कर दिया। चाहे आप बीटेक हो, पॉलिटेक्निक हो, आईटीआई हो, कुछ भी किया हो इंजीनियरिंग में, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, तो ऑब्वियसली आपको उसी डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं 1-8 साल, 3 साल हो गए, 1-8 साल में अब निकाल लूंगा मैं, कुछ लोगों को होता नहीं है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता नहीं, मैं 3 साल नहीं, 1 साल और दे दें, 6 महीने और दे दें, निकाल लेंगे। लेकिन बस वो 1 साल 6 महीने, अगर 4 साल में भी नहीं निकाल पाते हो तो आई थिंक आपको क्विट कर देना चाहिए। या फिर अगर आपके अंदर बहुत जुनून है कि नहीं मुझे तैयारी करना, मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं अपने कि वो तैयारी करते रहते हैं, मतलब जॉब करते रहते हैं, जॉब के बाद जो टाइम मिलता है वो तैयारी करते रहते, उसमें फिर उन लोगों ने क्रैक किया एग्ज़ाम को, तो ऑब्वियसली अच्छा रिजल्ट मिला। तो आईएएस तक का क्लियर क्रैक कर दिया लोगों ने यार। अब आप सोचो आईएएस का एग्जाम क्रैक कर दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो आप लोगों के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इसका फायदा उठाइए, सही से फायदा उठाइए। लोग आईएएस का एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, पीसीएस का एग्जाम क्रैक कर दे रहे हैं, जॉब करते हुए क्रैक कर दे रहे हैं, लेकिन हम और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने फ्यूचर को, अपने करियर को दांव पे लगा करके माइंड गेम प्ले कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोग जो 10 साल से गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहे हैं ना, आप अपना, अपने परिवार का, सबका फ्यूचर दांव पे लगा रहे हो। वीडियो बुरी जरूर लग रही होगी लेकिन कड़वा सत्य है, सच्चाई यही है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने घर वालों को धोखा दे रहे हो, सबको दे रहे हो। तो वहाँ पे आप अपने आप को प्लीज़ एनालाइज करो, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप लाइफ में आगे बढ़ो। जहाँ से शुरुआत कर दो वहीं से नई ज़िंदगी शुरू है, एक नए तरीके से स्टार्ट करो लाइफ में, तब जाकर के आप आगे बढ़ पाओगे। अगर नहीं तरीके से नहीं शुरुआत करोगे तो लाइफ में कैसे आप आगे बढ़ पाओगे? तो वीडियो में बस मैं यही बताना चाहता था कि जो लोग लंबे टाइम से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हैं, प्लीज़ वो प्राइवेट इंडस्ट्री में आएँ, बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी है। छोटे छोटे कोर्सेज करके लोग बहुत पैसा अर्न कर रहे हैं, तो आप भी उसमें
उसमें से एक हो सकते हैं। ये अप टू यू है कि आप किस तरह से हैंडल करते हो, किस तरह से चीज़ें एनालाइज करते हो। बस वीडियो में इतना ही, होप गाइस वीडियो आपको समझ में आए। जो लोग टेलीग्राम पे है, करंट चैनल टेलीग्राम पे है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट पिन कर दे रहा हूँ, जाकर ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।